तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है दोस्तों। दरअसल इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूं जिससे आप भी हिल जाएंगे। दरअसल केन वेलास्केज की कहानी सुन के मैं तक अंदर तक हिल गया हूं दोस्तों। साथ ही मैं यह चाहता हूं दोस्तों कि इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी में जो भी क्रिएटर्स हैं वह इस मामले में अपनी राय तो जरूर रखें। कुछ दिनों पहले केन वेलास्केज को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। अब मैं जो आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों उसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे और आपको भी केन वेलास्केज के लिए रोना सकता है। डाना व्हाइट, खबीब, यहाँ तक कि रोंडा राउजी ने यहाँ तक कह दिया है दोस्तों कि वह केन वेलास्केज के साथ हैं और अगर उनके साथ कोई ऐसा करता तो वह भी वही करते। व्हाइट ओरेकल की माने तो दरअसल दोस्तों केन वेलास्केज की जो चिल्ड्रन थी उनके साथ डे केयर में 100 से भी ज्यादा बार मोलेस्ट करने वाला एक दुष्ट व्यक्ति था। जो यह दुष्ट व्यक्ति था दोस्तों, इसने 100 से भी ज्यादा बार मोलेस्ट करने का कोशिश किया। अब जो यह मोलेस्ट शब्द है दोस्तों, इसका मीनिंग आप सर्च करेंगे तब आपको पता चलेगा कितना गलत मीनिंग आता है इसका। यह दुष्ट व्यक्ति केन वेलास्केज की जो बेटी है दोस्तों, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उनकी बेटी है कई रिपोर्ट्स में, और यह कहा जा रहा है कि वो 15 साल से छोटी हैं। उनके साथ 100 से भी ज्यादा बार मोलेस्ट कर चुका था। मोलेस्ट के बहुत सारे मीनिंग आते हैं दोस्तों, दुर्व्यवहार, सेक्सुअल अब्यूज करना किसी को। अब बताइए 15 साल से छोटी है वो। पर केन वेलास्केज सज्जन आदमी थे दोस्तों, वह तुरंत कोर्ट गए, उन्होंने केस किया, लेकिन जो वह दुष्ट व्यक्ति था दोस्तों उसको बेल मिल गया। उसके बाद वह दुष्ट व्यक्ति अपने पिताजी के साथ निकल रहा था, तभी केन वेलास्केज ने अपने वाहन से उसका पीछा किया और पीछे से ठोक भी दिया उसके वाहन को। उसके बाद केन वेलास्केज बाहर आए और उन्होंने गोली मार दिया। अब देखिए, गोली तो उस दुष्ट व्यक्ति को लगा नहीं, गोली उस दुष्ट व्यक्ति के पिताजी को लग गया। इस खतरनाक कांड में किसी का जान तो नहीं गया दोस्तों, पर केन वेलास्केज ने मर्डर करने का कोशिश किया। इस प्रकार के उनपे कई आरोप लग चुके हैं और पुलिस ने उन्हें धर लिया है। अब विदेश में किस प्रकार से कोर्ट होते हैं, किस प्रकार से वहां क्रिमिनल के लिए जो भी कानून है, इसका तो मेरे को जानकारी है नहीं दोस्तों कि वहाँ पे किस प्रकार के कानून हैं। लेकिन मेरे को एक चीज, मैं पूरे इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ दोस्तों, जो कि मैंने पूरा स्टडी किया, बहुत सारी रिपोर्ट्स में यही देखा, वो कोई सज्जन आदमी नहीं था, वो एक दुष्ट आदमी था जो कि केन वेलास्केज की डॉटर को 100 से भी ज्यादा बार मोलेस्ट कर चुका था, जिसके बाद केन वेलास्केज ने केस भी किया था लेकिन उसको बेल मिल गया था। इस वजह से केन वेलास्केज हो सकता है दोस्तों कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हों और तब उन्होंने ऐसा कोशिश कर दिया उसे जान से मारने का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर किसी का जान हान तो गया नहीं है, लेकिन अभी तक का जो भी मैं रिपोर्ट में देख रहा हूँ, केन वेलास्केज को 15 से 20 साल की सजा हो सकती है दोस्तों। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, मोलेस्ट ये बहुत गलत चीज है दोस्तों। जब भी मेरे को ऐसे, आप सोचिए दोस्तों, अगर आप एक लड़की के पिताजी होंगे तो आप पर क्या बीतेगी, आप जरा सोचिए दोस्तों। और आप अपनी राय मुझे जरूर दीजिए दोस्तों कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते। WWE की दिग्गज महिला सुपरस्टार रोंडा राउजी ने यह तक कह दिया दोस्तों कि अगर उनके साथ कोई ऐसा करता, उनके बच्चों के साथ ऐसा कोई करता, तो वह भी वही करती जो केन वेलास्केज ने किया। अब देखिए दोस्तों, कानून को अपने हाथ पे लेना अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन देखिए दोस्तों, केन वेलास्केज ने जो भी कुछ भी किया है उसके लिए जो भी उन्हें सजा हो रही है, मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही ज्यादा हो रही है। मैं यही चाहता हूँ वहाँ के जो भी जज साहब हैं वो इस पूरे मामले की अच्छी से छानबीन जरूर करें और एक हिसाब से केन वेलास्केज की साइड से भी जरूर सोचें। साथ ही जज साहब को मोलेस्ट करने वाले उस दुष्ट व्यक्ति को भी जरूर सजा देना चाहिए जो कि केन वेलास्केज की जो भी डॉटर हैं दोस्तों, 15 साल से छोटी हैं, जो बता रहे हैं दोस्तों उनके साथ मोलेस्ट कर रहा था 100 से भी ज्यादा बार। देखिए कितनी बुरी बात है दोस्तों, आज का देखिए कितना गंदा समय आ चुका है। देखिए एक केन वेलास्केज जो कि एक बहुत बड़ा रेसलर है, उसके साथ तक ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो जरा सोचिए दोस्तों आम इंसान के साथ कैसी कैसी घटनाएं होती होंगी। जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो भी कानून व्यवस्था को चलाते हैं, उन्हें इस मामले में गंभीरता से विचार जरूर करना चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, केन वेलास्केज ने जो किया वह भी गलत है, कानून को अपने हाथ पे उन्हें नहीं लेना चाहिए था। लेकिन देखिए फिर भी मैं यही कहूंगा दोस्तों कि केन वेलास्केज मजबूर हो गए होंगे, मेरे हिसाब से, मेरी जो व्यक्तिगत राय है उस हिसाब से केन वेलास्केज जैसा सज्जन आदमी जरूर मजबूर हो गया होगा। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि केन वेलास्केज को कम से कम सजा होनी चाहिए। MMA बैकग्राउंड से आने वाले बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने केन वेलास्केज को सपोर्ट किया है दोस्तों, वह यही चाहते हैं कि केन वेलास्केज को आजाद किया जाए, उन्हें सजा न हो। मैं साफ साफ शब्दों में आपको एक चीज कह देता हूँ
हूँ दोस्तों कि कानून को अपने हाथ में लेना बहुत ही गलत बात होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पर आजकल की सोसाइटी में जो भी इस प्रकार की घटिया मानसिकता वाले लोग हैं, जो भी मोलेस्ट टाइप की चीजें करते हैं दोस्तों, ऐसे को हमें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहिए कानून की मदद से। सभी लोग केन वेलास्केज को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों और फ्री केन कह रहे हैं, यानी केन वेलास्केज को छोड़ा जाए ऐसा कह रहे हैं। अब मेरी व्यक्तिगत राय अगर आप लेते हैं तो मैं भी यही चाहता हूं कि केन वेलास्केज को छोड़ दिया जाना चाहिए, उन्हें कम से कम सजा देना चाहिए। अब विदेश में किस प्रकार के कानून है यह तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता दोस्तों, पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, यह गलत बात होती है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं, तब तक बाय बाय।